तो गाइस एनिमल मूवी इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग पर चल रही थी तो मैंने भी देख ही ली और मूवी मुझे अच्छी लगी। लेकिन सबसे ज़्यादा मूवी में मुझे रणवीर कपूर के पहने हुए आउटफिट्स लगे जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और रॉयल थे, जो कि आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको उन सभी आउटफिट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें क्रिएट कर सकते हैं और कुछ टिप्स भी दूंगा जो आपके बहुत काम में आएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा क्लासी एंड स्टाइलिश दिखाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज योर सिद्धांत राउत। गाइस, आई मेक वीडियोज ऑन मेंस फैशन, स्किन केयर एंड ग्रूमिंग ऑन दिस चैनल and also some short videos on my Instagram whose link is in the description box. तो सबसे पहले आउटफिट में रणवीर कपूर एक बाइक से आते हैं जिसमें उन्होंने एक व्हाइट कलर की टी शर्ट के ऊपर एक ब्राउन कलर की बाइकर लेदर जैकेट पहनी हुई होती है और फेस पे उन्होंने Ray-Ban के सनग्लासेस लगाए हुए होते हैं और बॉटम वियर में उन्होंने एक लाइट ब्लू कलर की डेनिम जीन्स पहनी हुई होती है जिससे कि पूरा आउटफिट बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ दिखता है। अब इस आउटफिट के साथ उन्होंने शूज कौन से पहने थे ये तो मूवी में नहीं दिखाया, बट आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप इसके साथ एक बाइकर बूट पहने। अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी है तो आप पे ये बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगेगा, लेकिन अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो आप बाइकर की जगह चक्का बूट्स पहने जो कि आपको बहुत ही ज्यादा क्लासी एंड स्टाइलिश दिखाएंगे। तो अब जो दूसरा आउटफिट है उसमें रणवीर कपूर और अनिल कपूर सर ने एक मोनोक्रोमेटिक ब्लैक कलर का सूट पहना है जिसमें डिफरेंसेस ये है कि अनिल सर ने सूट के नीचे सिर्फ एक ब्लैक शर्ट पहनी है और रणवीर कपूर ने सूट के नीचे एक ब्लैक कलर का टर्टल नेक पहना है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा रिच लुक देता है। दूसरा डिफरेंस ये था कि अनिल सर ने एक टू पीस सूट पहना था और रणवीर कपूर ने एक डबल ब्रेस्टेड सूट पहना था, लेकिन एक चीज दोनों के सूट में बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रही थी वो थे उसके पीक लेपल्स। गाइस, ये आपके सूट को बहुत ही ज्यादा शार्प एंड प्रीमियम लुक देते हैं। और एसेसरीज में अनिल कपूर सर ने गोल्ड कलर की एसेसरीज पहनी थी और रणवीर कपूर ने सिल्वर कलर की एसेसरीज पहनी थी जो कि दोनों के आउटफिट्स को बहुत ही ज्यादा रिच एंड प्रीमियम दिखा रही थी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो आपको मोनोक्रोमेटिक आउटफिट्स को नहीं पहनना है क्योंकि ये आपकी हाइट को और भी ज्यादा छोटा दिखा। और इस मूवी में रणवीर कपूर ने दो और मोनोक्रोमेटिक सूट पहने थे, एक था पर्शियन ब्लू और एक था वाइन कलर जो कि बहुत ही ज्यादा क्लासी लग रहा था। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आप किसी डे पार्टी में जा रहे हैं तो ये आप पे बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो अब जो तीसरा आउटफिट है उसमें रणवीर कपूर एक रेंज रोवर से निकलते हैं जिसमें उन्होंने एक ब्लैक कलर के टर्टल नेक के ऊपर एक क्रीम कलर का ब्लेजर पहना हुआ होता है और नीचे उन्होंने एक ब्लैक फॉर्मल पैंट पहनी हुई होती है और शूज में उन्होंने चेल्सी बूट्स पहने हुए होते हैं जो कि बहुत ही रॉयल लुक देता है। आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। तो गाइस, अब बात करते हैं उस आउटफिट की जो कि इस समय फैशन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि है आपके साइड एडजस्टर पैंट्स। गाइस, रणवीर कपूर ने इस मूवी में एक ब्लैक कलर की साइड एडजस्टर फॉर्मल पैंट पहनी है जो कि दिखने में बहुत ही क्लासी लग रही थी। इसके साथ उन्होंने तीन शर्ट्स पहनी है, ग्रे, ब्लू एंड ब्लैक, विद मैचिंग ब्लैक कलर शूज जो कि बहुत ही ज्यादा क्लासी दिख रही थी। आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। और बॉबी देओल ने भी सेम साइड एडजस्टर पैंट पहनी थी रॉयल ब्लू कलर में और उसके ऊपर उन्होंने एक व्हाइट शर्ट और एक बिग नेकलेस पहना था जो कि अभी तक ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपको ये आउटफिट जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, ये आपको बहुत ही ज्यादा रॉयल एंड प्रीमियम दिखाएगा। अब अगर आपको पता नहीं है कि साइड एडजस्टर पैंट्स क्या होते हैं तो गाइस, ये नॉर्मली फॉर्मल पैंट के जैसे ही होते हैं, बस इसमें आप साइड से पैंट को टाइट कर सकते हैं, आपको किसी भी बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और जितने भी आउटफिट्स मैंने अभी आपको बताए उन सभी के साथ आपको मैचिंग एसेसरीज ही पहन। तो जो फिफ्थ आउटफिट है उसमें रणवीर कपूर ने एक ब्लैक शर्ट के ऊपर एक मरून कलर की स्वेड लेदर जैकेट पहनी है और नीचे उन्होंने वही साइड एडजस्टर ब्लैक पैंट पहनी है और शूज में उन्होंने चेल्सी बूट्स पहने हैं जो कि पूरी आउटफिट को कंप्लीट बनाते हैं। और इस आउटफिट को आपको इस विंटर में जरूर ट्राई करना है। अब जो अगली आउटफिट है वो पूरी ओल्ड मनी एस्थेटिक्स वाली वाइब देता है। इसमें रणवीर कपूर ने एक व्हाइट टी शर्ट के ऊपर एक मरून कलर की 3 बटन वाली स्वेटर पहनी है जो कि दिखने में बहुत ही क्लासी लगती है और नीचे उन्होंने वही ब्लैक जीन्स पहनी है जो कि एक कंप्लीट ओल्ड मनी एस्थेटिक्स वाली वाइब देती है। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए इस विंटर। सो द लास्ट आउटफिट जो कि थोड़े लंबे और हेल्दी लोगों पे बहुत ही ज्यादा क्लासी लगता है जो कि है एक ओवरकोट। तो गाइस, इस मूवी में रणवीर कपूर ने एक ब्लू फॉर्मल शर्ट के ऊपर एक ब्लैक कलर का ओवरकोट पहना है और नीचे उन्होंने एक ब्लैक फॉर्मल पैंट और चेल्सी बूट्स पहने हैं जो कि दिखने में बहुत ही क्लासी लगता है। तो अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो ये आप पहन के जा सकते हैं अपने ऑफिस में, ये आप पे बहुत ही ज्यादा क्लासी लगेगा और एकदम बिजनेस कैजुअल वाली वाइब देगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फ्यूचर में ऐसे ही मेंस फैशन, स्किन केयर और ग्रूमिंग से रिलेटेड वीडियोज के लिए देखते रहिए ऑल इन वन अड्डा।